स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लगभग 1,31,428 पदों पे जो भर्ती आ रही है, जिसका घोषणा पीयूष गोयल पहले ही कर चुके हैं, ये भर्ती का आवेदन कब से शुरू होगा और इसके लिए हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, जैसा कि पीयूष गोयल ने, जो कि रेल मंत्री हैं हमारे, उन्होंने बजट से पहले ही बता दिया था कि इस साल मतलब कि 2019 और 20 में कुल मिला के लगभग 2,30,000 भर्तियाँ होंगी। हालांकि उन्होंने तो 4 लाख का आंकड़ा बताया था और ये 4 लाख का आंकड़ा जो पुरानी भर्ती है उसको जोड़ के था, जैसे कि जो पुरानी भर्ती है ग्रुप डी और एएलपी की, इसको जोड़ करके करीब करीब 4 लाख का आंकड़ा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था अपने एक नोटिफिकेशन में, प्रेस रिलीज में, कि जो फरवरी मार्च है इसी के बीच आपको एक वैकेंसी मिलेगी जिसमें कि पहला स्टेज होगा और इसमें लगभग 1,31,428 पद होंगे। और इसके अलावा अगले सत्र यानी 2020 के लिए एक वैकेंसी आएगी मई जून में, जिसमें कि लगभग 99,000 पोस्ट आएंगे और जिसका ज्वाइनिंग हो सकता है 2021 तक। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसमें जो फेज वन यानी कि जिस वैकेंसी के बारे में ये बात की गई थी कि उसका आवेदन फरवरी या फिर मार्च में शुरू होगा और इसकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी अप्रैल मई 2020 तक, इसका नोटिफिकेशन डेट क्या होगा और आप इसका आवेदन कब से कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एनडीटीवी इंडिया के होम पेज पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपडेट किया गया है 11 फरवरी 6:11 शाम को, मतलब कि ये लेटेस्ट न्यूज है। और यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे में 1,31,000 पदों पर भर्ती के लिए 23 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जानिए डिटेल। यहाँ पे आप जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो पीयूष गोयल ऐलान किए थे लगभग 2,30,000 पदों पे भर्ती के लिए, उसमें से फेज वन में लगभग 1,31,428 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसी महीने 23 फरवरी को। और हालांकि एक बुरी बात भी है कि यहाँ पे जो 23 फरवरी को नोटिफिकेशन मिलेगा ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन होगा, इसमें केवल ये बताया जाएगा कि कौन कौन से पदों के लिए भर्ती होगी। हालांकि इसके लिए जो विस्तृत नोटिफिकेशन होगा उसके लिए आपको मार्च तक का वेट करना पड़ेगा और जब तक इसका विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक इसका आवेदन शुरू नहीं होगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के किसी भी वैकेंसी का आवेदन नहीं शुरू हो सकता। तो यहाँ पे सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसी महीने 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। और यहाँ पे अगर ये बात करें कि ये वैकेंसी किस लेवल की होगी तो ये सारी वैकेंसी ग्रुप सी लेवल की बताई जा रही है। ग्रुप सी लेवल का मतलब कि क्लर्क लेवल, जिसमें कि टीसी और क्लर्क लेवल के पोस्ट आएंगे। यहाँ पे इस वैकेंसी की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें वो 10% वाला रिजर्वेशन भी मिलेगा संवर्णों को, जिसके बारे में बिल पास हो चुका है। तो यहाँ पे संवर्णों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे उनको भी 10% का आरक्षण मिलने जा रहा है, जो जिसके बारे में पहले ही सरकार बता चुकी है। तो यहाँ पर यही है इस वीडियो में, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसी 30 फरवरी को। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।